आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, करेंगे बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है जिला शिक्षा अधिकारी पर गिरी गाज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुनीश चौधरी पर गबन के आरोप में FIR दर्ज की गई है जिला शिक्षा अधिकारी पर। ये गाज गिरी है, मुनीश चौधरी पर 27 लाख के गबन का आरोप, फरीदाबाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। बड़ी जानकारी, अधिकारी को पद से हटाए जाने की जो मांग है वो उठी, तो युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष ज्ञापन सौंपेंगे, तो उपायुक्त को CM के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी खबर फरीदाबाद से, जिला शिक्षा अधिकारी पर गाज गिरी है। बता दें आपको, मुनीश चौधरी पर गबन के आरोप में FIR दर्ज की गई है। मुनीश चौधरी पर 27 लाख के गबन का आरोप है, फरीदाबाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारी को पद से हटाए जाने की मांग जो उठाई गई, इसी को लेकर युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष ज्ञापन सौंपेंगे आज। ये बड़ी खबर, उपायुक्त को CM के नाम ज्ञापन सौंपेंगे, तो जिला शिक्षा अधिकारी पर यह गाज गिरी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुनीश चौधरी पर गबन के आरोप में FIR दर्ज की गई है। मुनीश चौधरी पर 27 लाख के गबन का जो आरोप लगाया, फरीदाबाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अधिकारी को पद से हटाए जाने की जो मांग है वो यहाँ पर उठ रही है। युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष सौंपेंगे ज्ञापन, उपायुक्त को CM के नाम जो ज्ञापन है वो सौंपा जाएगा। ये बड़ी खबर, जिला शिक्षा अधिकारी पर गाज गिरी है। तो मनीष चौधरी पर 27 लाख के गबन का आरोप जो है वो लगा है। ये बड़ी खबर, फरीदाबाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने के आदेश जो है वो दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारी को पद से हटाने की मांग की गई है। युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष ज्ञापन सौंपेंगे, इसी को लेकर उपायुक्त को आज ये ज्ञापन जो है, उपायुक्त को CM के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो जिला शिक्षा अधिकारी पर ये गाज गिरी है। बड़ी खबर, मुनीश चौधरी पर गबन के आरोप में FIR दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुनीश चौधरी पर 27 लाख के गबन का आरोप लगा है, फरीदाबाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश जो है वो दिया है। अधिकारी को पद से हटाए जाने की जो मांग है वो उठी है। धर्मेंद्र संवाददाता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आई है, जिला शिक्षा अधिकारी पर ये गाज गिरी है, गबन का मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी मुनीश चौधरी पर 27 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगा है, और इसके बावजूद इन पे FIR दर्ज होने के बाद भी इन्होंने अपना कार्य यहाँ से समाप्त नहीं किया और उसी सीट पर बरकरार बनी हुई है। तो आज यहाँ के एक समाज सेवी है, उन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठाया और आज ये वो CM साहब को और उपायुक्त फरीदाबाद को ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी, लेकिन धर्मेंद्र, पूरा मामले सामने आने के बावजूद भी कोई कार्रवाई ना होना, ये काफी ज्यादा चौंका देने वाली चीज है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मुनीश चौधरी है, यह एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करती है, कि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव, बड़ा दबाव है, और जिसके अनुसार इस पर उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन अब FIR जो कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, FIR दर्ज तो होगी लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। उसी कार्रवाई ना होने के कारण ही यहाँ के फरीदाबाद के कुछ समाज सेवियों को संस्थाओं में रोष देखने को मिला है, जिसको लेकर आज यहाँ के समाज सेवी और कुछ संस्थाएं उपायुक्त और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे और उपायुक्त मुख्यमंत्री के नाम उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, युवा आगाज संगठन के अध्यक्ष अध्यापन उपायुक्त को CM के नाम सौंपेंगे।